जिस तरह बॉलीवुड स्टार्स की तकदीर हर फ्राइडे बदलती है, उसी तरह उनका रिलेशनशिप स्टेटस भी हर मिनट बदलते रहता है। और अब ये बुखार हो गया है अभय देओल को, जिन्होंने अपनी लेटेस्ट हिट फिल्म जिंदगी मिलेगी ना दोबारा के बाद पब्लिकली डिक्लेयर किया है दैट ही इज डेटिंग ब्रिटिश गर्ल प्रीति देसाई। शी इज ब्रिटिश, ट्रस्ट मी। वैसे तो अपनी फिल्म डेव डी की सक्सेस के बाद अभय को अपने सिंगल एंड रेडी टू मिंगल स्टेटस की वजह से कई फीमेल फॉलोअर्स मिली थी। उनके बैड बॉय इमेज पर हजारों गुड गर्ल्स वर रेडी टू टर्न बैड। तब अभय को लगता था डर कि अगर वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे तो घट जाएंगे उनके फीमेल फैंस। लेकिन इस रीसेंट फिल्म जिंदगी मिलेगी ना दोबारा के बाद अभय ने देखा किस तरह शादीशुदा ऋतिक भी अब लाखों लड़कियों को अपनी अदाओं से अपनी 11 उंगलियों पर नचाते हैं, और कैसे मैरिड फरहान अख्तर की हटी हुई आवाज पर लड़कियां थिरकती है। इसलिए ये हिट फिल्म के बाद अभय डिक्लेयर्ड दैट ही इज इन अ रिलेशनशिप और वो डेट कर रहे हैं प्रीति देसाई को। बट अभय नोज हाउ टू प्ले इट सेफ, इसलिए उन्होंने सेफ्टी के लिए ये भी कह दिया कि वो उनकी गर्लफ्रेंड से एंगेज्ड नहीं है एंड दे आर जस्ट डेटिंग, thereby opening the floodgates for more controversies and link-ups. This boy, no. This boy is not mental but sentimental. What is your take, Simi? अभय, तुम्हारी फैमिली में ऑलरेडी है एक यमला, पगला और दीवाना। अब तुम्हारा नाम हम रख देते हैं आशिक मस्ताना। अब तो मंडराना छोड़ दो ऑन एवरी कली एंड एवरी फूल। समझ गए हो ना दैट बीइंग एंगेज्ड एंड स्टिल सेइंग आई एम सिंगल इज सो अनकूल।